गाइस माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुड़े एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा ओके तो सुबह से जो है लाइट गई हुई थी लाइट जो है अभी आई है थोड़ा सा मोबाइल मैंने चार्ज कर लिया और फिर अभी जो मैं टेस्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत से आ, में से आप बोल रहे होंगे कि सर बहुत लेट कर रहे हैं आजकल टेस्ट सॉल्व करने में लेकिन मैं जितना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना जल्दी कर रहा हूँ लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ठीक है उसी दिन जो है मैं पेज जो है अपलोड करूंगा उसी दिन लाइव सॉल्व करके तो थोड़ा सा सबर ना कर लेना ठीक है सॉरी फॉर देट एंड कल जो है अनएकेडेमी पहला लेक्चर हुआ थोड़ा सा मैं बहुत नर्वस था ठीक है थोड़ा सा लेकिन बहुत से बच्चों को पसंद आया लेकिन कुछ कुछ लोग बोले कि थोड़ा सा सर आप डर गए थे या फिर आप में थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए थे तो हाँ मैं कॉन्शियस हो गया था लेकिन अब जो है मुझे आदत हो चुकी है अब से मतलब कल जो लेक्चर आने वाला है उसमें एकदम फ्लुएंटली एकदम नेचुरल तरीके से जैसे मैं नेचुरली पढ़ाता हूँ वैसे नेचुरली पढ़ाऊँगा पहला लेक्चर हमेशा कॉन्शियस होता है आप भी दो अगर पहला आपका नीट का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत कॉन्शियस होंगे वैसा मेरा कल इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट लेक्चर था इसलिए कॉन्शियस था तो कल आ जाना ठीक है सात बजे कल मज़े करेंगे एम सी सॉल्व करेंगे लीडर बोर्ड पर और बहुत मजे करेंगे सो आई एम रेडी टू बिगिन और आज हम सॉल्व करने वाले एन टी टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर सिक्सटी सो आई एम रेडी टू बिगिन so no physics no chemistry only biology because it's a bio -katta. select the correct statements the most common form of prions disease that affects the sheep is kritsfeldt jacob disease okay kritsfeldt jacob disease a prion is the type of glycoprotein that can trigger a normal protein in the liver to fold abnormally प्रियोन्स अटैक द नर्व सेल्स प्रोड्यूसिंग न्यूरो जनरेटिव ब्रेन डिसीज तो देखो इस टिपिकल एनसीआरटी बेस्ट क्वेश्चन सी जे डिसीज़ दिया है हमारे एनसीआरटी में लेकिन वो शिप को नहीं अफेक्ट करता है इसमें क्या दिया है डिसीज डेट अफेक्ट शिप वो मैन को अफेक्ट करता है क्लियर क्लियर लाइन दिया है एनसीआरटी में ठीक है न्यूरोलॉजिकल डिसीड होता है इससे सो सेकंड लाइन किया है प्रियन इज अ टाइप ऑफ ग्लाइको प्रोटीन दट कैन ड्रिगर नॉर्मल प्रोटीन इन द लीवर टू फोल्ड लीवर नहीं ब्रेन मैड क्या डिज ठीक है वो ब्रेन के सेल्स के ऊपर जो है अटैक करते हैं ठीक है थीके? तो ये भी गलत है देन प्रियंस अटैक नर्व सेल्स देखो यहां पे दिया है नर्व सेल्स प्रोड्यूसिंग न्यूरो न्यूरोडीजनरेटिव डिसीज ठीक है न्यूरोडी जनरेटिव डिसीज करते हैं तो इनडायरेक्टली दिया है ये एनसीआरटी में सो so, सी जो है वो करेक्ट है बाकी दो जो है इनकरेक्ट है ओके ट्राइसिक ज्यूरासिक क्रिटेशियस और ये क्या है In भी ब्योर तो डायनासोर की एरिया एक्सटेंड हुए उसका दिया है so, triacic, Jurassic, तो, triacic, think, the, जो स्केल दिया है हमारे एनसीईआरटी में रिवॉल्यूशन चैप्टर में वो होगा यहाँ पे देखो ट्राईसिक होगा अराउंड टू टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी होता है ठीक है टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी होता है तो मतलब उसके बीच में क्या आता है टू ट्वेंटी ट्राईसिक टू ट्वेंटी दिया है बी और डी में दिया है चलो सी तो नहीं ए और डी में दिया है बी और सी तो कैंसिल हो गए चलो डिलीट हो गए देन जूरासिक जूरासिक की बात करें तो जूरासिक होता है अराउंड 175 सेवेंटी फाइव वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड में बीच में होता है ना वन फिफ्टी टू हंड्रेड मतलब वो सेवनटी फाइव आ जाएगा इसमें सो so, बी का वन किस में दिया है ए ऑप्शन में दिया है तो यही इसका आंसर होने वाला है और फिर क्रिडिशियस का क्या आएगा वन वन ट्वेंटी फाइव वो होता है अराउंड हंड्रेड टू वन फिफ्टी ईयर्स आए मतलब थोड़ा रिसेंट है ना सो राइट ऑप्शन विल बी द ए ऑप्शन कॉपर बोरॉन जिंक देखो जिंक जो है ना आ, इसके ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए लगता है गारंटेड ठीक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख लेना ये बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व किया तो अभी याद हो गया मेरे को और बोरान जो है पोलन जर्मिनेशन के लिए ये भी एनटीए के टेस्ट में बहुत बार पूछा गया है सो so, थ्री का ए और टू का बी थ्री का ए इसमें नहीं है थ्री का ए टू का बी जी हाँ सी में दिया है ठीक in है और कॉपर एसोसिएटेड विद इन्जाइम इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन ठीक है मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में एक क्वेश्चन है मिनरल न्यूट्रिशन पे हमारा पॉडकास्ट जो है आ चुका है आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा मैंने उसमें पॉडकास्ट में दो दो बार बताया कि ये ध्यान में रखना है जिंक ऑक्सीजन जिंक ऑक्सीजन बोरॉन पोलन जर्मिनेशन तो वो आप सुन लोगे ना तो ये बोरिंग सा चैप्टर आपको याद में रह जाएगा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी द नेचुरल सिलेक्शन दैट एक्ट अगेंस्ट द चार्ज इन द फॉर्म एंड कीप्स द पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट थ्रू द टाइम इज नेचुरल सिलेक्शन का टाइप है अगेंस्ट द चेंज काम करता है और पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखता है मतलब जो पेरिफेरल कैरेक्टर्स होंगे उसको नहीं बढ़ने देता जो मेन एक सेंटर कैरेक्टर होता है ठीक है उसको ही आगे बढ़ाता है जनरेशन टू जनरेशन स्टेबलाइज करता है पॉपुलेशन को और जो पेरिफेरल नहीं करता सिर्फ एक ही मेन कैरेक्टर बढ़ाता है उसमें बेल शेप कवर बनाता है तो वो कौन सा होता है स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन होता है ठीक है तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक uh, है देन रेफरेंस टू द एंजाइम्स नंबर मतलब क्या होता है है कि जितना मॉलिक्यूल जो है, वो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में पर सेकंड ठीक है पर सेकंड में कितना कन्वर्ट हुआ है उसका रेट होता है टर्न ओवर रेट इन टर्म्स ऑफ एंजाइम्स तो राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन बायो में दिया है ठीक है यार ये थोड़ा सा चैप्टर का भूल जाता हूं मैं कि चैप्टर बताना एनसीआर टी का लेकिन देखो चैप्टर भी भूल गया लेकिन अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर होगा तो मैं जरूर बताऊंगा अगर मैं चैप्टर भूल गया अगर मैं फ्लो में चल रहा हूं मतलब वो एनसीईआरटी में का ही क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट डार्विन फिंटियस शो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन है कॉन्वर्जेंट नहीं दिखाता है एडेप्टिव रेडिएशन दिखाता है क्लियर क्लियर दिया है इवोल्यूशन चैप्टर में एनसीईआरटी में डार्विन फिंच रेडिएशन डायवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है ठीक है अलग अलग आ, लैंड में रहते थे तो उन्होंने उनके बीक में ठीक है फिंचेस के बीक में जो है उनके लैंड के हैबिट के अनुसार उसमें क्या आए थे चेंजेस आए थे सो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ये इनकरेक्ट है यहीं पे मिल गया आगे बढ़ते हैं टाइम सेव करते हैं विच वन आर द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम क्लास क्लास म्यूकर अल्टरनारिया ईस्ट मोर्केला मतलब क्या होता है मॉरल्स अपना ट्रफल्स ये भी uh, हाँ, ये मोरल्स मौ, और ट्रफल्स आई थिंक इडिबल है सैक्रोमा मतलब ईस्ट ओके एगेरिकस रायजोपस एस्पराजिलस जिले रायजोपस कोलेट ट्रैकम ईस्ट अभी ये इसमें इसमें नहीं आता ईस्ट ईस्ट इसमें आता है में सैक्रामास्ट सर्विस ही उसी के साथ साथ मोरकेला और ट्रफल्स भी आता है जी हाँ ये सारे जो है एस्कोमाइेट्स से बिलोंग करते हैं आई थिंक म्यूकर अल्टरनारिया नो पॉलीट्राइकम आता है उसमें तो ये देखो एस्कोमैसेज ये तीन ही जो है बिलोंग करते हैं क्लियर क्लियर एग्जाम्पल एनसीआर से है ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मिल जाएगा फंगाइ क्लास में बी ऑप्शन इज करेक्ट हेल्थ कॉम्प्लिकेशन कॉज बाय प्रोटीन डिफिशियंसिस मैरासमस मेंटल प्रॉब्लम हेयर लॉस होता है मैरासमस होता है मेंटल प्रॉब्लम होता है कोएगुलेशन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि प्रोटीन से बने हुए है, होते हैं जो कोएगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द डीप वेन वेंथ्रोमसिस भी होता है तो देखो यहाँ पे यही पे यहाँ ऑप्शन मिल गया फर्स्ट ऑप्शन में ये सही है आगे क्यों बढ़ना है टाइम पास क्यों करना है बाकी कोई और प्रॉब्लम में शक्ति लगा देंगे डाइजेशन में दिया है ठीक है इसका आंसर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन में मैरासमस वगैरह हेयर लॉस भी उसमें दिया है तो बाकी आप लॉजिकली भी लगा सकते हैं तो ये ऑप्शन इज करेक्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन द डायग्राम ओके सेलेक्टेबल मार्कर ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन मल्टीपल कोनिंग साइट प्रोमोटर देखो ये प्लाज्मिड तो है ये गारंटेड है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर पार्ट है तो ये प्लाज्मिट है गारंटेड अभी हमारे टेस्ट बुक में हमें जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाजमिट है पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू उसके बारे में बताया है ये सीधा सीधा दिखाया गया है सेलेक्टिव मार्कर ऑफ ओरिजिनकेशन के साथ सिंपल प्लाजमिट है तो ये आ, अपना पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू तो नहीं है लेकिन इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो इसमें प्रोमोटर रीजन दिखाया गया है और जिसमें प्रोमोटर रीजन होता है ना वो एक्सप्रेशन में काम आता है ठीक है एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन में काम आता है ठीक है आई थिंक उसको uh, वो एक्ट एज अ क्या करता है आई थिंक क्या बोलते उसको रेगुलेटरी जीन की तरह एक्ट करता है रेगुलेट करता है प्रोटीन का ठीक है एक्सप्रेशन प्रोटीन का उस पर्टिकुलर डी एन ए केस में ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा एक्सप्रेसेबल प्लाज्मिड ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टेक्स एन क्वेश्चन है ठीक है तो इसको ध्यान में रखना आप जब भी प्रोमोटर रीजन आ जाएगा ना तो प्रोमोटर रीजन मतलब प्लाज्मिड होता है है ठीक वो एक्सप्रेस करता है ठीक है प्रोटीन का एक्सप्रेशन करता है उस बैक्टीरिया में सो दैट इज ए ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी शोज स्ट्रॉन्गेस्ट अग्लिटिनेशन आई जी ए आई जी डी आई जी आई जी एम देखो आई जी एम पेंटामर है पांच पांच उसके आर्म्स होते हैं तो पांच पांच एंटीजन uh, उसको कनेक्ट कर सकता है एक साथ और सबसे पहले जाता है आईजीएम एंटीबॉडी जब भी कोई एंटीजेनिक रिस्पांस आता है ठीक है इसी के ऊपर मैं कल का लेक्चर ले रहा था अकेडमी पे ये थोड़ा सेक्शन बाकी है ये हम कल कंटिन्यू करने वाले हैं विथ ऑटोम डिसऑर्डर्स तो आईजीएम जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अग्लुटिनेशन दिखाता है क्योंकि वो पेंटामे फर्स्ट ऑफ ऑल पांच आर्म्स होते हैं पांच आर्म्स को uh, पांच एंटीजन जो है अटैच हो जाते हैं तो दैट्स वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट एनस क्वेश्चन है so थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ठीक है आपको ऐसे सीधा सीधा नहीं मिलेगा विच आर द फॉलोइंग सजेस्ट द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल फोटो ऑक्सीडेशन फोटोसिथेसिस कार्बन फिक्सेशन डीकम्प डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया क्या करेगा कार्बन साइकिल में डिकम्पोज करेला ठीक है डीकम्पोज करेगा मराठी निकल जाती है कभी कभी सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है कार्बन साइकिल आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में के बुक में मिल जाएगा आपको इकोलॉजी uh, में या कहीं तो भी या yeah, इकोलॉजी में मिल जाएगा रेंच रूल्स बागमानस रूल एलैंस रूल जॉर्डन्स रूल बॉडी साइज विंग्स वर्टी बरा ऑर्गन साइज तो एलेंस रूल तो हमें मालूम है ठीक है एलेंस रूल तो बुक में दिया है क्लियर क्लियर हमारे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में क्या लिखा था वो उसमें आ, सीधा लाइन है कि जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनको क्या होते हैं शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स होते हैं टू मिनिमाइज़ हीट लॉस ये एल रूल है हमारे बुक में दिया है तो देखो एल रूल का क्या इधर है बॉडी साइज के बारे में है वो तो देखो हाँ बी का वन किस में दिया है देखो सी और डी में दिया है तो ए तो गलत हो गया तो ए और बी तो ख़त्म हो गया ठीक है तो बाकी के मुझे नहीं लगता ये बुक में दिए है हमारे चलो आ, अगर थोड़ा और लॉजिक लगाए हम ये जो एंस रूल तो मिल गया हमें सी का वन ऐसा सी का क्या थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं एलेंस रूल क्या कहता है बॉडी साइज के बारे में या तो सी का वन होना चाहिए ना शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स या फिर उन्होंने ऑर्गन साइज दिया होगा उसको ऑर्गन साइज हाँ ऑर्गन लिम्स और ये ठीक है तो ऑर्गन साइज दिया होगा सी तो का फोर इसमें दिया है डी में और ए में दिया ओके चलो सी का डी एलेंस रूल ऑर्गन साइज दिया मतलब वो हमें क्या है शॉर्टर ईयरस एंड लिम्स तो सी का फोर इसमें भी है इसमें भी है तो रैंचर्स रूल ना आई थिंक रैंचर्स रूल आ, ये भी आ, वो उसी के बारे में है मतलब क्या होता है कि विंग्स के बारे में होता है रैंचर्स रूल मैंने पढ़ा है कि कोल्डर क्लाइमेट में क्या होता है बर्ड्स जो होते हैं ना वो न, आ, उनके विंग जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं कंपेयर टू द जो वॉर्मर एरियाज में रहता है उनके जो है थोड़े से बड़े होते हैं ठीक है तो आई थिंक रेंचर रूल ना ये विंग्स के बारे में है. तो ए का टू देखो किस में डी में है ठीक है तो बाकी क्या दिखा है फिर बर्गमंस रूल बी का क्या दिया है इन्होंने वन बॉडी साइज के में बर्गमंस रूल दिया है इन्होंने ठीक है बर्गमंस रूल एंड जॉर्डन रूल डी ये क्या है सी सी इधर क्यों दिए इन्होंने ओके okay, यहाँ पे डी आना चाहिए था इस क्वेश्चन में जॉर्डन्स रूल डी का थ्री वर्टिब्रा नंबर में दिया ठीक है थीके? तो ये आ, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा ठीक है ये क्या होता है जॉर्डन्स रूल अल्स रूल मैं थोड़ा सा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है टाइम वेस्ट जा रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट वॉज फाउंड टू बी अ जिम्नोस्पम बिकॉज इट लैक्स ओवरी बट पर्जेस एक्सपोज विया ए ऑप्शन सही बात है ठीक है प्लांट किंगडम ओवरी नहीं थी इसलिए उसे हम जिम्नोसपम कहते हैं नेकेड सीड्स

रुक जाता है वाइंड स्पीड भी ऐसे बढ़ता है वैसे ट्रांसपॉर्शन बढ़ता है सही बात है ह्यूमिडिटी ट्रांसपारेशन रेट बढ़ता है लेकिन वेपर वाटर वेपर का ट्रांसपारेशन जो होता है वो कम हो जाता है स्टोमेटल डेंसिटी जी हाँ पेर बोते एंड बी तो जी हाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ लेना विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ बॉइल फ्रॉम द गर्मेटर सिक्रेटिन पेंक्रियोजाइमिन एंटेगैस्ट्रोन गैस्ट्रीन रिलीज ऑफ बाइल के लिए कोलियोस्टाइकिन होता है ना कोलियोस्टाइकन का दूसरा नाम है पैनक्रियोजाइमिन ठीक है पैनक्रियोजाइमिन थोड़ा सा आउट ऑफ टेक्स क्वेश्चन है बी ऑप्शन ठीक है ये आउट ऑफ टेक्स क्वेश्चन है थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है डाइजेशन के चैप्टर के बारे में आई डोंट थिंक ये एनसीआरटी में दिया है सो राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन एंड अलगियन आर कैरेक्टराइज बाय द पोजेशन ऑफ माइटोस्पोर क्लोरोफ्लास मल्टी जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स तो देखो यहाँ पे आ, क्लोरोप्लास तो नहीं हो सकता गारंटेड मल्टीपलर जैकेटेड सेक्स मल्टी सेल्युलर जैकेटेड सेक्स नहीं होता है यूनिसेलुलर भी नहीं होता है माइटोस्पोर से आएगा लॉजिक लगाने की जरूरत है माइटोस्पोर्स मतलब क्या होते हैं वो जूसपोर्स और कोनेडियो स्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स असेक्सुअल स्पोर्स सॉरी असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जूसपोर्स और कोनीडियो स्पोर्स उसके थ्रू होता है तो लॉजिकल एम है ए ऑप्शन इज करेक्ट विच सिल्स आर रिस्पॉसिबल फॉर फाइगोसाइटोसिस ऑफ एंटीजेंस एंड रिमूवल ऑफ सिलर डिवर फाइगोसाइटोस मतलब फैगोसाइट्स होंगे फाइगोसाइट्स है इसमें टी हेल्पर नहीं है प्लाज्मा सेल नहीं है फाइब्रोब्लास्ट नहीं है माइक्रोफेजेस ठीक है ये भी हमने कल पढ़ाया था पे पर so, डी ऑप्शन इज करेक्ट मीजोगी मीजोगी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन दिल थ्रू द माइक्रो माइक्रोट्यू माइक्रोपाइल नो no. मीजोगी मतलब क्या किसके थ्रू जाते हैं थ्रू द इंट्यूगमेंट्स माइक्रोपाइल्स के इसको आई थिंक कहते हैं फिर कैलाजे इसको कैलाजोगी कहते हैं इन द स्टिगमा स्टाइल ये नहीं मालूम ठीक है तो इंटुगमेंट के थ्रू मीजोग्रामी सेक्सुअल रिपोर्शन फ्लॉरिंग प्लांट्स चैप्टर ईपी माइसीएम इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ फ्लॉरिंग और ईपी मतलब क्या होता है जो आ, मस्कुलर मसल से होते हैं आपके मस्कुलर टिश्यू ठीक है तो मस्कुलर टिश्यू के अराउंड जो लेयर होता है ठीक है कनेक्टिव टिश्यू का डेंस तो उसे ई कहते हैं ठीक है बी ऑप्शन थोड़ा सा आउट ऑफ टेक्स लग रहा है ठीक है आई थिंक होगा यह स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल्स में एनिमल टिश्यू में दिया होगा सो बी ऑप्शन इज राइट इज फाउंड इन मतलब अपोमिक्सोम uh, सीधा एक से जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये ग्रासेस में तो गारंटेड होता है और एस्टेर फैमिली में भी होता है ठीक है तो सी ऑप्शन इज राइट दिपिथिलियम फाउंड इन ऑर्गन्स लाइक आर ओरिजिनली डैश डैश ब्रॉन्सिजिनलीसडेथिलियम कौन सा होता है कॉलमनारिपीथिलियम होता है फिर उसको Uh, ये आता है ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं एनिमल टिश्यू चैप्टर सो ये ऑप्शन द मॉर्फोलॉजी ऑफ सिचुएटेड एट एट सॉरी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम मेटाफेज़ आई थिंक या का एनाफेज़ तो नहीं होता है ओके okay, तो ये गलत है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपेयर एट द कौन से स्टेज पे आते हैं स्टेज ऑफ द वन पैथेटेनि में आते हैं है? है ना सो so, किधर दिया है बी का यस yes, बी का यहां पे दिया है पैचेज ने राइट तो यहां पे डी का एनाफेस वन दिया है देखो ट्रू डिडक्शन नंबर ऑफ प्रोमोस एट एनाफेस वन जी हाँ सही है आंसर मिल गया सेल डिजन चैप्टर डी ऑप्शन करेक्ट आगे बढ़ते हैं विच आर द फॉलोइंग सेट्स कंसिस्ट ऑफ सेट्सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स सूडोसिलोमेट मतलब क्या आएगा वो राउंड वर्म्स ठीक है एनिमल किंगडम चैप्टर राउंड एग्जाम्पल एसकेटा जी हाँ पहले इसमें मिल गए राउंड वर्म्स है ये एंड साइक्लोस्टोमा, सो ये ऑप्शन इज करेक्ट सूडोसिलिमट्स होते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस प्रोड्यूसेस गोने जी हाँ बिसाइड सेक्स क्या फाइंड आउट करना विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस सेकंडरी सेक्सुअल ओके फर्स्ट तो करता है भाई गोनेट तो करते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर्स डिनडारेक्टली करते हैं बिसाइड सेक्स सेल्स हार्मोन्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस एंड ओवरी जी हाँ ये सारे के सारे करते हैं ठीक है इन्फ्लुएंस सेकेंडरी सेक्सुअल करते सारे के सारे करते हैं ऑप्शन डी ऑप्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देख लेना ह्यूमन बींग देख लेना रिप्रोडक्शन चैप्टर दामोनो एसिड फाउंड इन बैक्टेरियल एंड ग्लूग्इन अलगी मिथायनिन डायानो पाइमिल एसिड एस्परिटिक एसिड ग्लूटामिक एसिड तो ये जो है ना थोड़ा सा आउट ऑफ टेक्ट क्वेश्चन है आ, थोड़ा सा इसका रेफरेंस दिया है आपके चैप्टर में सेल यूनिट ऑफ लाइफ में ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आ, ये ना सेल वॉल के अराउंड एक, एक अमाइनो एसिड पाया जाता है दैट इज डाइनो पायमिलिक एसिड ठीक है थिके? जो कि पेप्टाइड लिंक बनाने में काम करता है नैम नैक पेपटैड लिंक जो होती है उसमें काम करता है सो ये थोड़ा सा आउट ऑफ टेश्चन है लेकिन इसका रेफरेंस है आपके बुक में ठीक है तो बी ऑप्शन इज करेक्ट डा अमाइनो पायमिलिक एसिड सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फाइला ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसी सबसे बड़ा तो ऑर्थोपोडा होगा सेकेंड मोस्ट उसका मोलुस्का होता है ओके okay, के बाद आई थिंक फिर का फिर डेटा आता है तो ऑर्थोपोडा मोलिस्का कॉर्डेटा पहले नहीं एस्किस का ज्यादा आई थिंक ओवर नाइन्टी थाउजेंड कुछ तो भी है नाइन्टी थाउजेंड तो मोलिस्का के आई थिंक उसके कम है थोड़े से ठीक है आई थिंक सेवेंटी टू एटी थाउजेंड के बीच में कुछ तो भी है फिर कॉर्डेटा के तो फिफ्टी टू सिक्सटी थाउजेंड के स्पीशीज़ के बीच में तो ये तो गलत है ऑर्थोपोडा कॉर्डेटा मोलिश का नो कॉर्डेटा पहले आ ही नहीं सकता तो यही होगा ठीक है एक चीज़ मालूम है तुमको ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा है सेकेंड मोस्ट मॉलिश का एन में सिया दिया है तो वो सिक्वेंस ये दोनों का, सिक्वेंस का ही सिक्वेंस कहीं पर करेक्ट नहीं दिया है ठीक है यही पर दिया है लेकिन यहाँ पर कॉर्डेटा एस्कमेंटिस से ज़्यादा नहीं है तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आंसर ठीक है ऑर्थोपोडा एस्क्लेमेंटिस कॉर्डेटा इंडियन ए मॉलिकुलर नाइट्रोजेनस बेस इज लिंक टू द पेंटेस्ट शुगर बाय ए लिंकेज ओके ए लिंकेज मतलब क्या होता है अपना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जहां पे नाइट्रोजन बेस्ड शुगर से अटैच होता है और पेंटेस्ट शुगर इज लिंक टू द फॉस्पेट बाय फॉस्पोटाइजर लिंकेज बी फॉस्पोटाइजर लिंकेज बी ऑप्शन में दिया है ठीक है सिंपल है अपना मॉलिकुलर बेसिस देख लेना एनसआईटी ड्यूरिंग दिस परमेटोजेनेसिस सेकंडर रिजल्ट ऑफ मीओसिस वन पहला म्यूसिस होता है ठीक है म्यूसिस होता है वहां पे तो प्राइमरी uh, का सेकेंडरी फॉर्मेशन होता है सो बी ऑप्शन इज करेक्ट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट द सेल इन डेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड थ्री लेयर स्ट्रक्चर विच प्लाज्मा मेमरेन इज द इनर मोस्ट लेयर सही बात है ठीक है तीन लेयर होते हैं ग्लाइकोकैलैक्स सेल वॉल एंड सेल मेम्रेन सही बात है

सिमेट्रिकल एंड प्लास्टिक एस्केरिस प्लानेरिया, एरिया स्पॉन्जिला तो हो ही नहीं सकता असिमेट्रिकल है तो ये छोड़ दो फैसिवाला इकाइनस हिरोडिनेरिया टीनो प्लाना रेडियो सीमेट्रिकल आता है वो तो वो तो छोड़ दो फिर देन फैसीवाला भी नहीं आएगा फैसीवाला आएगा इकाइनस नहीं आएगा एक ही ऑप्शन बचता है एस्केरिस एंड प्लानरिया देखो दोनों एक तो ये राउंड वो में एस्केरिस ठीक है एंड ये फ्लैट वो हमें प्लान एरिया दोनों का बायोलैट्रिक सिमेट्रिकल होती है ट्रिपल प्लास्टिक के दोनों भी तो वो सही बात है ठीक है एस्करमेंटिस एंड प्लेट एलिमेंटिस ये ऑप्शन किंगडम एनिमिलिया आइडेंटिफाई द लिविंग प्लांट टिश्यूज हुज मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड बॉयंसी टू द प्लांट पैरेंकाटिस टिश्यू जो है बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं मॉडिफाई होने के बाद सीधा सीधा सिंपल सा सवाल है तो प्लांट टिश्यू में दिया है ठीक है तो क्लियर क्लियर लाइन दिया है सी में सो डी ऑप्शन इज करेक्ट मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में ये होता है टू प्रोवाइड उसमें वैक्यूल जो है बड़े हो जाते हैं और उस वैक्यूल में एयर आ जाती है एरियोल्स कहते हैं उनको द वैस्कुलर बंडल विच लैक्स कैम्बियम इज कॉल्ड एस देखो कोल्ड के जिसमें झायलम और फोइलम एक दूसरे के बाजू में होते हैं उसको कोल्ड बोलते हैं ठीक है थीके? एक ही लाइन में होते हैं और अगर उसके बीच में कैम्बियम रिंग रहा तो वो ओपन होता है अगर उसके बीच में कैम्बियम रिंग नहीं रहा तो वो क्लोज होता है ठीक है तो कोलेट्रल तो होगा आजू बाजू में है मोनोकार्ड स्टेम में मोस्टली होता है ये और क्लोज होगा सो सी ऑप्शन इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज ऑफ द पल्मोनरी वॉल्यूम रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जी हाँ देखो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब लंग की साइज़ बढ़ रही है लंग की साइज बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है कि लंग प्रिपेयर कर रहा है इंस्पायरेशन के लिए ठीक है तो ये कब होता है जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होते हैं तब क्या हो जाता है जो वर्टिब्रा है ना वर्टिब्रा बोल रहा हूँ सॉरी Rips, जो है ना वो लिफ्ट अप हो जाते हैं ऊपर आ जाते हैं ठीक है और ऐसा फैल जाते हैं डायफ्राम जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो साइज बढ़ा देता है और जैसे लंग की साइज बढ़ेगी वैसे क्या पढ़ने वाला है पल्मोनरी वॉल्यूम सो बी ऑप्शन इज करेक्ट रेस्पिरेशन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन न्यूट्रिशन रिलेटेड टू एडप्टेशन डिसेंट फ्रॉम कॉमन ओरिजिन ठीक है सही ऑप्शन है बी ऑप्शन इवोल्यूशन में देख लेना सीधा लाइन है एनसीआरटी में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन उसके ऊपर ही डिपेंड होता है तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फर्स्ट चैप्टर में भी देख सकते हो आप लिविंग वर्ल्ड में या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी रेफरेंस दिया है चूज द इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम जी जी हाँ ये फॉर्मूला सही है फंक्शनल रिस्टर कैपेसिटी है रिसडल वॉल्यूम प्लस इंस्परेटरी रिजर्व वॉल्यूम सही बात है टोटल लंग कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी विथ टाइडल वॉल्यूम ओके देन वाइटल कैपेसिटी इजल टू इंडो प्लाज्मिक रेडिकुलम टी वी प्लस आई आर वी देखो यहाँ पर टोटल लंग कैपेसिटी मतलब पूरी कैपेसिटी तो होती है लंग की तो यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी क्या होता है इज द सम ऑफ एक्सप ई आर वी टी वी एंड आई आर वी तो ये सही है लेकिन टोटल लंग कैपेसिटी इससे भी बड़ा होता है मतलब क्या होगा उसमें टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा विथ वाइटल कैपेसिटी ठीक है जो कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि दिया इधर नहीं जो पूरा आ, ये होता है ठीक है फोर्स एक्सपायरेशन या इसके बाद जो हम वॉल्यूम अंदर लेते हैं ठीक है सो वो होता है यहाँ पे सो आई थिंक दैट इज करेक्ट ये जो है इनकरेक्ट है ठीक है यहाँ पे प्लस होना चाहिए था फार्मूला दिया है क्लियर क्लियर एनसीआर में यहाँ पे प्लस होना चाहिए था वाइटल कैपेसिटी प्लस टाइटल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी सो दैट इज वाई द ऑप्शन इज सी ऑप्शन गोनियलैक्स इज अ प्रोटेस्ट विच कॉजे एन अलगल इट इज रैपिड मल्टीप्लीकेशन चेंजेस अ सी कलर जहाँ रेड सी ठीक है सी टाइड होती है रेड सी टाइड कलर करता है बहुत अ, कलर कर देता है पूरे सी के वेवस को तो यही पे ऑप्शन मिल गया ये ऑप्शन लिविंग इसमें दिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्ट हमें डायनोफ्लाजेट आउट ऑफ द तो फॉलोइंग मेमल्स हाउ मेनी शो द ऑस्ट्रिय साइकिल ऑस्ट्रिय साइकिल देखो वीवी पेरस लोग दिखाते हैं मेनस्ट्रल साइकिल एंड उस साइकिल तो उसमें से जो नॉन प्राइमेट होती है उनके साइकिल को उस कहते हैं प्राइमेट को है, मोनस्ट्रल साइल कहते हैं नॉन प्राइमेट कौन से इसमें लॉयन है गोट है रैट है ह्यूमन एप्स मंकीज में तो मेनस्टुरल साइकिल होती है तो तीन है लीजार तो ओ पेरस है यार ये तो हमें मालूम है सिंपल सी बात तो थ्री होगा इसका आंसर फोर्टी पे कैसे आ गया एक छूट यार नहीं ठीक है सही जा रहा ओके okay, छूट गया था वॉट हैपन इफ द सिक्रेशन ऑफ सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ब्लॉक्ड विथ एन इनिविटर इनिविटर से गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन मतलब गैस्ट्रिक पैराटल सेल्स से क्या निकलता है एस सी एल निकलता है एस सी एल क्या फंक्शन क्या होता है पेप्सिन जो इनएक्टिव होता है उसको एक्टिव करता है मोस्टली और फिर चाइम बनाता है तो पेप्सिन से पेप्सिन नहीं बनेगा और फिर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है डाइजेशन चैप्टर में दिया है तो थ्री दिया है इसका विच आर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई स्टेज द सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है स्ट्रक्चर सेवन एंड ड न्यूक्लियट बी ऑप्शन एरियाज ऑफ ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमरी एंड कम्युनिकेशन सीधा फर्स्ट लाइन में आंसर मिल गया कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन में दिया है तीनों के लिए होता है विच टाइप ऑफ एंड इज ऑब्जर्व इन अ वाइट कर्नल ऑफ द कोकोनट सेल्युलर ठीक है जो लिक्विड पार्ट होता है वो न्यूक्लियर का होता है जो व्हाइट कर्नल होता है वो सेलर होता है दोनों होते हैं ना ये गलती किया था मैंने जब मैंने इनिशियली सॉल्व किया था तो मैंने सीधा एक ही कर दिया था न्यूक्लियर हाँ हाँ तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था तो अभी याद में रहेगा देखो गलती करोगे तो याद में रह जाता है सो so, ये ऑप्शन इज़ करेक्ट वाइट कर्नल सिल्वर होता है और वो लिक्विड जो होता है वो न्यूक्लियर होता है रेफर द डायग्राम एनसीआरटी का डायग्राम है चेंबर्स ऑफ हार्ट ये एवोर्टा होता है बी एल्दरी मसल्स एंटीरियर एवर्टा एल्दरी मसल्स सी ऑप्शन देखो डायग्राम याद कर लिए तो बहुत बार सिखाया है तो याद में रह जाता है बहुत ईजी है ये क्या है गधा गधा नहीं म्यूल है विथ रिस्पेक्ट टू पिक्चर गेन बिलो म्यूल विच आर द फॉलिंग मेथड्स विल भी इम्प्लीमेंटेड टू अपटेन द मोर प्रोजन ऑफ द एनिमल क्रॉस ब्रीडिंग आउट इंटर स्पेसिफिक हैब्रिटाइजेशन ठीक है दो अलग स्पेसिस बनता है हॉर्स एंड डॉकी सी ऑप्शन इनफरटाइल होता है इन्साइटिक्वेश्चन विच आर द फॉलिंग इज नॉट ए मेडिसिनल प्लांट मुलाटी होता है रोल्फिया होता है बेलाडो होता है इंडिगोफेरा डाई के लिए यूज होता है ठीक है मोरफोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में दिया है क्लियर क्लियर सो so, ये मेडिसिनल प्लांट तीनों हैं बाकी ये नहीं है विच आर द फॉलोइंग कंडीशन सिंडिकेट्स क्लीन फिल्टर सिंड्रोम ए ऑप्शन एक्स एक्स वाई ठीक है एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम वाला क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है सो दैट इज वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज यूजिंग एयर एंड बायोलॉजिकल फ्लॉक द सेडीमेंट ऑफ टेंट इज कॉल्ड है जो सेडिमेंट uh, तो बन जाता है ठीक है इंडस्ट्रियल वाटर वाटर एयर और बायोलॉजिकल फ्लॉक बनने के बाद जो नीचे सेडिमेंट बन जाता है उसमें क्या कहते हैं एक्टिवेटेड स्लच कहते हैं तो सीधा क्वेश्चन है अक्टूबर दो हजार दस से ऑल टू वही थ्रीलो ड्रिकली बी एस थ्री एंड फोर जी हाँ बी एस थ्री एंड फोर टू थाउजेंड सेवेंटीन में फोर आया है टू थाउजेंड टेन में आया था टू ठीक है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ये होता है ये ओ टू एंड सी ओ टू जो एग्जॉस्ट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है कम करने के लिए अभी टू में बी एस सिक्स वर्जन भी आई है व्हीकल्स के ठीक है जिनको गाड़ियों का शौक है उनको पता होगा बी एस सिक्स इंजिन आए हैं जिसमें टेन पी पी से भी कम एस का जो एग्जस्ट है बताया गया है तो बी एस सिक्स वर्जन आ गया है वही खरीदना तो हमें यहाँ पर सिक्स का तो आया नहीं है लेकिन रिसेंट बी एस सिक्स का आया जनरल नॉलेज के तौर पे ठीक है कि टू में कौन सा भारत स्टेज यूज़ होने वाला है तो सिक्स लिख लेना फाइव जो है वो एक्सक्लूड किया गया है थ्री बेसिक स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग जियोमो जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ डी एन ए विथ डिजायरेबल जीन सही बात है इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड जीन इंटू द होस्ट जी हाँ मेन्टेनेस ऑफ इंट्रोड्यूस डी एन इन द होस्ट ट्रांसफर ऑफ द डी एन ए टू द प्रोजिनी सही बात है करेक्ट सिक्वेंस क्या है जो सिक्वेंस दिया है वही करेक्ट है पहले आइडेंटिफाई करने का फिर आइडेंटिफाई का होस्ट में डालने का और फिर डी एन ए जो है वो ट्रांसफर करने का इंटू द डिजायर प्रोजिनी सो वन टू थ्री डी ऑप्शन ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस विच केमिकल इज यूज फॉर विजुलाइजिंग फ्रैगमेंट डीएनए दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड थेरोटिकल क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का बी ऑप्शन सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच टैक पॉलिमराइज एनलिंग ऑफ डीएनए नो एनलिंग नहीं करते हम पॉलीमराइजेशन के लिए टैक पॉलिमराइज करते हैं थर्मो एक्वेटिकस uh, का यूज करते हैं क्योंकि वो लार्जर टेम्परेचर जो है वो जेल पाता है तो उसको पॉलीमराइज करने के टाइम यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है सो यहीं पर ऑप्शन मिल गया इनकरेक्ट मिल गया टाइम सेव करते हैं आगे बढ़ते हैं विच ऑर दॉट एनवे एलियन प्लांट स्पेश इंडिया पार्थिनियम मतलब कांग्रेस अपना ठीक है कांग्रेस ग्रास कैरेट ग्रास तो ये तो है इकोर्निया भी है लैंटेना भी है क्लैरियस ये अफ्रीका का फिश है ये इधर का नहीं है इंडिया का ठीक है तो ये छोड़ दो तो ये पार्थीनियम कांग्रेस कैरेट ग्रास जो है अंग्रेजों की देन है हमारे लिए वो जब 1950 या 60s में जब द्रॉट कंडीशन आई थी इंडिया में तो उन्होंने गेहूं भेजे थे और गेहूँ के साथ ये कांग्रेस भी दिया था हमें तो जगह जगह भी पाया जाता है इन 190 नाइनटी कंट्रीज प्लेस टू टू अचीव द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करेंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल लेवल्स बाय द 2010 इन अर्थ समिट ठीक है उससे पहले जो है वो क्या किया गया था सीधा लाइन है एनसीआरटी में अर्थ समिट किया गया था सॉरी 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 यहां पे ना नाइनटीन नाइन्टी टू में अर्थ सब्मिट किया गया था और अभी टू थाउजेंड टेन में वर्ल्ड सब्मिट किया गया है देखो कन्फ्यूज होने के लिए क्योंकि तो अर्थ सबमिट बहुत बार पूछा गया तो मैं पूछ गया तो नाइनटीन नाइन्टी टू में सबसे पहले सभी नेशंस आए थे और उन्होंने बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए यह लिया था आ, देन उसको हम अर्थ सबमिट किया थे और फिर टू थाउजेंड टेन में लगभग वन नाइन्टी कंट्रीज आए थे उन्होंने वर्ल्ड सब्मिट किया था तो ये सीधा लाइन दिया एन सी आर टी में बायोडाइवर्सिटी में दिया होगा सो ये ऑप्शन इज करेक्ट अमाउंट ऑफ बायोगैस बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय द यूनिट एरिया अ टाइम पीरियड बाय द प्लांट्स ज्यूरिंग फोटो सिंथिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी पूछा जाए ना फोटो सिंथेसिस के थ्रू वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है सीधा इकोलॉजी का क्वेश्चन है एनसीआर टी लाइन टू लाइन ए ऑप्शन इज करेक्ट विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द अबायोटिक कंपोनेंट इन द पॉन्ड इको सिस्टम पॉन्ड इकोसिस्टम वाटर वी डिजॉल्वर्ग सप्टेंसिस ने ऑर्गेनिक भी हो सकता है वाटर विद डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सब्टेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जी हाँ वाटर विद डिगेनिकल्सो बॉटम भी तो होता है ठीक है एनसीआर से लिया गया है क्वेश्चन सी ऑप्शन इज करेक्ट वही फिर से इको सिस्टम वाला अबायोटिक फैक्टर विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्किन बैग विच इंक्लूड टेस्टिस दैट इज स्क्रॉटम के बारे में पूछा गया है तो ये टेम्परेचर लो करने का कर काम करता है टेम्परेचर लो मेंटेन टू 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 फाइव पॉइंट फाइव डिग्री सिग्री सेल्सियस कम रखने का काम करता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस धैन द बॉडी टेम्परेचर सो सी ऑप्शन में दिया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेजम द लिविंग टिश्यू इज ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ मॉरिटर एंड पेस्टलिस किसमें दिया जाता है कौन सा एसिड ट्राइक्लोरोसिडिक एसिड बायोमोलिकल्स में पहला पैराग्राफ जो है ना वो इस पे ऊपर कल भी सॉल्व किया था फिर वो क्या देता है वो स्लरी फिल्ट्रेट देता है तो उसमें से कौन सा एसिड सोल्यूबल है कौन सा एसिड सोल्यूबल नहीं हमने कल ही सॉल्व किया था ये सो so, ये ऑप्शन इज करेक्ट अरे देखो ऐसा जल्दी जल्दी में छूट जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेट इज रॉन्गली मैच विद मोनोमर ग्लाइकोजन ग्लूकोज सही बात है काइटीन एन एसिडिल ग्लूकोज हमारा नाग जी हाँ सही बात है इंसुलिन मैनोज नो इंसुलिन फ्रुक्टोज का होता है पॉलीमर ठीक है ये इनकरेक्ट है ये पे मिल गया ये बायोबोलिफिल्स में दिया है एम टी पी एक्ट वॉज पासड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन नाइनटीन सेवनटी वन ठीक है मेडिकल टर्मिनल्स ऑफ प्रेगनेंसीट जो है इंडिया ने दिया था जो कि इलीगल माना जाता था ठीक है क्योंकि फीमेल फिटासाइड जो है बढ़ गया था इसके एक्ट के थ्रू सो बी ऑप्शन इज करेक्ट एंड इनजाइम कैटेलाइजेज कैटेलाइजेस रिएक्शन बायो डैश डैश एक्टिवेशन इन डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएशन ठीक है एनसीआर टी लाइन बायोमालिकल्स अगेन फॉलोइंग इज सेट ऑफ हार्मोन रिलीजिंग मल्टीलोड कॉपर रिलीजिंग है एल यस ठीक है हॉर्मोन रिलीजिंग आयोडीज इंटर डिवाइसिस मोनोकार्पलरी मल्टी कार्पोरी सिंह कार्पस ओवरी इन टू द वन फ्रूट इंटू द ओनली वन फ्रूट एक ही फ्रूट आता है सिंह कार्पस और ही है एक ही फूल है तो मतलब एक ही फ्लावर आएगा तो इज सिंपल फ्रूट ठीक है मॉर्फोलॉजी में बताया डिफिनेशन लाइन टू लाइन है आइडेंटिफाई द प्लाजेंटेशन यहाँ पे कोई भी सेगमेंट नहीं गिरे हुए हैं तो ये क्या होगा फ्री सेंट्रल फ्री सेंट्रल किस में पाया जाता है मोस्टली प्रीमरोज एंड डायंथस जी हाँ ये ऑप्शन में सही दिया है प्रीमरोज एंड डाएंस फ्री सेंट्रल है कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होता कोई भी देखो सेप्टा नहीं होता है यहाँ पर सेप्टेड नहीं होते हैं तो ये ऑप्शन इज करेक्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट आउटरमोस्ट लेयर ऑफ इन ऑफ इज कॉल्ड एज एलोराइन लेयर सीधा सीधा डायग्राम में भी दिखा है का क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी अगेन अकॉर्डिंग टू बगमस रूल देखो ये फिर से बगमस रूल आ गया हमने ये किया था ना द मैमल्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट्स हैव लार्जर बॉडी एंड शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज क्योंकि उसका हमने बॉडी का मैच किया था तो ये बॉडी का होगा और हमेशा क्या होता है कि जो विंटर एज में रहते हैं मैमल्स कोल्ड क्लाइमेट में उनको क्या होगा लार्जर बॉडी होगा एंड शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज होगा ठीक है अभी ये बर्गमन स्ल तो हमें पता चल गया जो मैं नीचे बताने वाला था आपको तो ये हमें पता चल गया थे सर so, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्या होता है कि जो विंटर सीजन में रहते हैं उनकी ये अभी लॉजिकली सॉल्व किया है ये मुझे याद नहीं था और लॉजिकली यही होता है कि विंटर सीजन में क्या होता है कि ये यालेन्स रूल भी सेम टाइप का है कि बॉडी जो है लार्ज होती है और एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ पैर जो होते हैं छोटे होते हैं टू कंजर्व द एनर्जी ठीक है कंजर्व द टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए एनर्जी का फ्लो है तो कम करने के लिए सो दैट इज ऑप्शन एरिया जो है कम कर दिया सुपेरियर कॉम्प्यूटर इज रिमूव फ्रॉम द एरिया देर ऑलवेज इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ अदरवाइज एक्सप्लॉयटेड अब गिवन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव रिलीज ठीक है कॉम्पिटेटिव रिलीज कहते हैं हम इसे कि दो स्पेसिस का कॉमन ये हो तो ठीक है तो सुपेरियर स्पेसिस जो है कॉम्प्यूटर जो है रिमूव किया जाता है कॉम्प्यूटेटर सीधा दिया है यहाँ पे तो उसको क्या कहते हैं हम कॉम्प्यूटर रिलीज कहते हैं वाइल्ड ट्रीटी इज रिलेटेड टू द कंट्रोल एंड इमिशन ऑफ द ओज़ोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस दैट इज मॉन्ट्रल प्रोटोकॉल एनस में दिया है ठीक है इसमें दिया होगा इकोलॉजिकल इश्यूज में लास्ट वाले चैप्टर में सो so, ये ऑप्शन यूट्रोफिकेशन कहाँ भी होता है फ्रेश वाटर में होता है हल्गी आ जाती है तो फिश मर जाती है ये परसों के टेस्ट में सॉल्व किया था हमने बी ऑप्शन देखो कितना क्वेश्चन रिलेटेड होता है टी डब्ल्यू इंगल मैन परफॉर्म experiments on एक्सपेरिमेंट्स ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग algae, ग्रीन अलगी ये भी कितने बार सॉल्व किया के टेस्ट में क्वेश्चन जो है अभी लर्न हो गया है मेरे को ठीक है ये फोटो में दिया है एनसीआर क्वेश्चन है इन लाइट इज मेले इफ लाइट इज मेड अन अवेलेबल दिन द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम देखो अगर लाइट कम होती है तो वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है एक तो लाइट का जैसे रेट बढ़ता है वैसे फोटो का रेट बढ़ता है लेकिन जब उस जब लाइट बढ़ रहा होता है जब वो लिमिटिंग फैक्टर दूसरा कोई और होगा लेकिन लाइट जैसे जैसे कम हो जाती है तो लिमिटिंग फैक्टर लाइट बन जाता है और फिर फोटोसिनथिस जो है उसके ऊपर डिपेंड होने लगता है और जैसे जैसे वो कम होगा फोटो कम होते जाएगा और फिर स्टॉप हो जाएगा सो so, ये लिमिटिंग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का है एग्जाम्पल है लॉजिकल फोटो करेक्ट आइडेंटिफाई एनर्जी एल्स स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस टू फॉस्टफॉर टू टू फॉसफॉर इनॉल नो फॉस्टफॉ इनोलोट टू पायरुक एसिड में ए टी प्रेजेंटेड होता है ग्लाइकोलिस याद कर लो पाथुए ठीक है उसमें होता है इसमें नहीं तो बी ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट एक्सपारेशन चैप्टर क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सिल्वर एस्पारेशन मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लिमिटेड एज इट जी हाँ और बाकी जो बच्ची होती है हम ए के फॉर्म में लिए होते हैं क्लियर लाइन टू लाइन क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग करस्पॉन्ड टू मैक्सिमम ग्रोथ लॉजिस्टिक ग्रोथ एक्सपोनेंशियल कर लॉजिस्टिक कर लैक कर स्टेशनरी फेज तो उसको हम लॉजिस्टिक कर्व कहते हैं ठीक है लैक कर लॉग कर्व एंड स्टेशनरी कर्व तो लॉग लैक में सबसे ज्यादा बढ़ता है ठीक है और लॉग कर्व जब होता है तब एक्सपोनेंशियल फेज होता है कर नहीं ठीक है तो बहुत से बच्चे ए और बी में कंफ्यूज हो जाएंगे लेकिन लॉग कर्व होता है और वो फेज एक्सपोनशियल होता है सो राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन हाउ मेनी आर द फॉलोइंग ऑक्सीज आर सिंथेटिक आई ए आई बी ए नेचुरल है एन ए टू फोर डी सिंथेटिक है सो टू ठीक है इंडोल एसिडिक एसिड एंड इंडोल ब्यूट्रिक एसिड और नेचुरल है और फिर ये जो नेपथेलिन एसिडिक एसिड है और टू फोर डाइक्लोरो पेंटोक्स ठीक है डाइक्लोरो पेंटॉक्सी एसिडिक एसिड जो है वो क्या है सिंथेटिक है यह अभी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर है विच विटामिन इज एडेड ड्यूरिंग द कर्डिंग ऑफ मिल्क कर्डिंग ऑफ मिल्क मतलब क्या योगर्ट योगर्ट में बी ट्वेल्व होता है ठीक है विटामिन बी ट्वेल्व हो जाता है ड्यूरिंग दी एन ए मूव टूअर्ड एनोड एंड एज निगेटिवली चार्ज जी हाँ पॉजिटिव आयन की तरफ जाता है डीएनए तो निगेटिव चार्ज होता है हमें मालूम है ठीक है तो बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन लाइन टू लाइन है सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज बाय फरोर टंग ओके पाम क्रीज मतलब सीमी क्रीज मतलब डाउन सिंड्रोम देखो जब भी सीमी क्रीज या पाम क्रीज आता है तो डाउन सिंड्रोम एक हमें एक्जाम्पल होता है उसे हम ट्वेंटी वन ट्राइमोसोम ही कहते हैं क्योंकि ट्वेंटी वन क्रमोजोम पे ट्वेंटी वन पेयर पे एक्स्ट्रा क्रोमोजोम एक ऐड हो जाता है तो ड्यू ऑप्शन इज करेक्ट जेनेटिक डिसीज में है क्रोमोजोम डिसऑर्डर में आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर तो ये भी सॉल्व किया है हमने ऑलरेडी ठीक है पहले बहुत बार सॉल्व किया है सिकल सेल एनीमिया है ठीक है क्योंकि इसके दो टाइप होते हैं तो दूसरा टाइप जो होता है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर दिखाता है कलर ब्लाइंडनेस जी कलर ब्लाइंडनेस जी हाँ देन थैलासीमिया ओके देखो इसलिए चार्जिंग की थी मैंने थैलासेमिया जी हाँ फीनेल किटनोरिया जी हाँ सिस्टिक फाइब्रोसिस जी हाँ ओके okay, कितने हो गए हीमोफीलिया हीमोफीलिया भी होता है सारे के सारे सारे के सारे के मेंडिलर डिसऑर्डर्स है ठीक है क्योंकि ये सारे जो है ये म्यूटेशन या अल्टरनेशन ऑफ जीन की वजह से होता है तो ये सारे के सारे हैं के छः बी ऑप्शन सिकल्स एनीमिया के बारे में या हीमोफीलिया के बारे में ठीक है हीमोफीलिया के बारे में मोस्टली कन्फ्यूजन होगा बच्चों को सिगल सेल बारे के भी बोला दो टाइप ठीक है सॉरी फॉर दैट देन टाइटली सेलेक्ट करोम शो हायरेश हायर लिंकेज दिखाता है वो जींस फार अपार्ट ऑर द सेम क्रोमोजोम शो वेरी फ्यू रिकॉमेशन फार अपार्ट में ज्यादा होते हैं जीन्स लूजली लिंक ऑन द सेम रिक्रोमोजोम शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज द टाइट नो टाइटली लिंक जींस ऑन द सेम क्रोमोजोम शो वेरी लिंकेज दिखाते लिंकेज so, का वो में आपको मिल जाएगा विद सेट ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी एग्जिबिट एमीबॉडी मूवमेंट्स बट नॉट लिंकोसाइड्स आरबीसी आरबीसी तो नहीं होती है माइक्रोफेज बट नॉट लिकोसाइड ल्यूकोसाइड्स तो करते ही है ल्यूकोसाइट्स एंड माइक्रोफेज दोनों करते हैं ठीक है ठीके? तो बॉडी एंड सर्कुलेशन में दिया होगा फर्टिलाइज सैक इज इन दिवन बार पी एंड क्यू आर द रिजल्ट्स ऑफ पी एंड क्यू आर द रिजल्ट्स ऑफ क्यू क्या है यहाँ पे इंडोस्पम्प फॉर्मेशन होगा इंडोस्पम्प ओके डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन तो क्यू का होगा डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि दो फीमेल के न्यूक्लियर होते हैं वहां पर एक मेल गैमेट आ जाता है ट्रिपल तो, फ्यूजन हो जाता है सो so, बी का कहाँ क्यू का कहाँ ट्रिपल फ्यूजन दिया है डी ऑप्शन में दिया है. और फिर एक का मेल गैमेट फीमेल जब फर्टिलाइज होते हैं जैगोट फॉर्म करते हैं उससे हम सिंगामिक है सो डी ऑप्शन इज करेक्ट प्लांट इसमें रिपोर्डक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स विच आर द फॉलोइंग इज अ फाइबरस जॉइंट सैडल सुचर्स सुचर्स ठीक है इमूवेबल जॉइंट होता है कम्प्लीटली फाइबरस टी से फॉर्म हुआ होता है सो सुचर्स ही होते हैं बी ऑप्शन लोकोमोशन चैप्टर में दिया है विच आर द फॉलोइंग प्लांट कैन बी प्रोवागेटेड बाय द लीफ एंड बल्बिल लीफ से ब्रायोफाइलम बलबिल से अगेव ठीक है मॉर्फोलॉजी सीधा सीधा पहले इसमें मिल रहा है ऑप्शन आइडेंटीफाई द ग्लैंड्स इन विच टू लोब्सर इंटर कनेक्टेड विद फ्लैप थायरॉड ग्लैंड बहुत ईजी है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फाइंड आउट वन अबाउट द सिकल सेल एनीमिया इट इज अबाउट पाउंट म्यूटेशन जी हाँ देखो जी यू जी ए जी का जी यू जे यू जी होता है मतलब उसका वैलिन होना चाहिए था एंड अमोन एसिड लेकिन ग्लूटामिक एसिड हो जाता है नहीं ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था अमोन एसिड हो जाता so है ठीक है सिक्स ग्लोबिन चेन पे सो ये पॉइंट म्यूटेशन है ग्लूटामेट इज रिप्लेस बाय वैलाइन ठीक है जैसा मैंने अभी बोला

इनकम्प्लीट uh, डोमिनेंस का एग्जाम्पल है ठीक है तो अगर बी एंड बी होंगे तो दोनों के बीच में का रिजल्ट आएगा तो बी अगर uh, अच्छे से बनाता है स्टार्स प्रोडक्शन ठीक है लार्ज साइज ठीक है आ जाएगा तो स्मॉल वाला होगा तो वो स्मॉल साइज बोलाएगा स्टार्च उसमें बड़ा होगा क्योंकि छोटा होगा क्योंकि कम होगा और अगर बीच में क्या तो मीडियम साइज बनाएगा इंटरमीडिएट तो सी ऑप्शन

हमारे नहीं होते आई थिंक जी हाँ देयर में भी वन मोर देन वन सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस जी हाँ न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस एक से ज़्यादा हो सकते हैं सो फाउंड इन न्यूक्लियस जी हाँ न्यूक्लियस में होता है सेल्स तो होते हैं उनमें सो एक्टिव साइट जो है इसकी के लिए नहीं आर सिंथेसिस होती है सो so, यहाँ पे जो है 90 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायो कट्टा ठीक है और इसके साथ साथ मेरा दूसरा चैनल है ई e कट्टा जहाँ पे मैं इंटरटेनिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ ठीक है तो उसकी लिंक मैंने नीचे दी है वो भी आप देख लेना वहां पे मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ मैं सिंगिंग करता हूँ मैं वाइन्स बनाता हूँ ठीक है तो आपको जरूर पसंद आएगा जब भी पढ़ाई करके बोर हो जाओगे तब प्लीज़ एक बार चैनल जो है देख लेना ठीक है आपको जरूर मजा आ जाएगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई है शॉर्ट फिल्म्स बनाई है जिसमें मुझे बेस्ट शॉर्ट फिल्म के अवार्ड्स भी मिला है दो शॉर्ट फिल्म्स में उसमें सो so, वो एक बार देख लेना एंड उसी के साथ साथ अन एकेडमी पर आ जाना ठीक है शुभम मूड़े डॉक्टर शुभम मोड़े सर्च करोगे और सी ऑल देखोगे एजुकेटर्स में सी ऑल एजुकेटर्स सबसे पहले मैं आ जाऊँगा क्योंकि इतना फेमस नहीं हुआ हूँ तो जल्द से नहीं आता है सर्च में तो यहाँ पे 346 फोर्टी मार्क दिखा रहा है तो क्या गलत हुआ है वो बता दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और हाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको लेक्चर और नोट्स मिलते रहे ठीक है चलो बाय